अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंडा पराठे की बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होते हैं, तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करती हैं। मैंने एक बाउल लिया है और मेरे पास एक कप मैदा है, एक कप दूध है, दो अंडे हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अब हम जो दो अंडे हैं उनको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो अंडे हमारे अच्छे से बीट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून चीनी। चीनी को अब अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। और एक कप मैदा है वो अब हम इस मिक्सचर में डाल लेते हैं और इसको मिक्स करेंगे। अब साथ ही इसमें मैं शामिल करूंगी दूध। ये रूम टेम्परेचर पे दूध है, ये हम इसमें शामिल करेंगे इतना जितना की ज़रूरत होगा, जिसमें हमारा जो मिक्सचर है अच्छे से तैयार हो जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हैं। और ये मेरे पास नीम गर्म पानी है, ये हम थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे। इससे जो ये हमारा मिक्सचर है बहुत ज़बरदस्त बनेगा और जो हमारे पराठे होंगे फूले फूले से ज़बरदस्त तैयार होंगे। तो ये बैटर हमारा तैयार है। अब मैंने पैन में हल्का सा कुकिंग ऑयल लिया है और जैसे ही हमारा जो ऑयल है, पैन है, गर्म हो जाएगा, हम इसमें अपना जो बैटर है वो इसमें डालेंगे। तो व्यूअर, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट पराठे बनके तैयार होती हैं बहुत ही कम टाइम में। तो अब हमारा जो पैन है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें आधा बैटर, जो हमारा आधा मिक्सचर है, वो इसमें डाल लूँगी और इसी तरह इसको पैन को घुमा फिरा के इसको गोल शेप में कर लेंगे। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा जो पहला पराठा है तैयार हो रहा है और फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम कर लिया है। तो इसके जो किनारे हैं वो पक चुकी हैं, तो अब हम इसकी जो साइड है वो पलट लेंगे। तो ये देखें कितना खूबसूरत से इस पे डॉट्स बन चुके हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। तो इसी तरह हमने इसको हल्का हल्का सा प्रेस करना है और जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है। तो ये हमारा पराठा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। इसी तरह हम अपना दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस से हमने इस पे फैला लेना है बैटर को और जो ऑयल है उसको पराठे के चारों साइडों पे घुमा लेना है, ताकि जो इसकी साइडें हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा बिल्कुल राउंड शेप में हमारा पराठा बन रहा है और बहुत ही ये क्विक रेसिपी है। तो अब इसकी साइडें पक चुकी हैं, तो अब हम इसको भी पलटा लेंगे, इसकी भी साइड चेंज कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा पराठा बन रहा है। तो व्यूअर्स, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये बच्चों को आप स्कूल लंच में भी दे सकती हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। और ऐसे बच्चे जो अंडा पसंद नहीं करते, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है। तो आप इसी तरह का पराठा उनको बना के दें, उनको पता भी नहीं चलेगा। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा दूसरा पराठा भी ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा पराठा तैयार है। तो व्यूअर्स, ये इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।